हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आज ये अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट करा है। फर्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ जो कि है एक मिठाई का वीडियो, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत कुछ मीठे से होती है। तो मैंने बेसन के लड्डू ट्राई करे थे, वो भी फर्स्ट टाइम, एंड ग्रेटफुली बहुत ही अच्छे बन गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे इस नए काम की शुरुआत इस मीठे से, टेस्टी से बेसन के लड्डू से करें। तो मैंने ये रेसिपी शेयर की है, तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। फटाफट आइए मेरे साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। उसके लिए मैंने सारी चीज़ें ले ली है। ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, 1.5 चम्मच बेसन लिया है। थोड़े सी मैंने बादाम लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स, मुझे स्पेशली बादाम ही पसंद है तो मैंने वो लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं। दिस इज़ फॉर द गार्निशिंग बेस, एंड अगर आप कोई मसाले में जो बेसन में डालना है तो आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये मेरा घी है, ये हल्दी है। इसका एक स्मॉल ट्रिक होता है जो आपको वीडियो में पता चलेगा। ये हमने लिया है पाउडर्ड शुगर, जो हमारा बेसन ठंडा होने के बाद हमें मीठा इसके लिए जो डालना पड़ेगा। सो देरी किए बिना हम फटाफट स्टार्ट करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। सो मैंने लिड ऑन कर लिया है। पैन में अब मैं थोड़ा थोड़ा करके जो घी है वो डाल देती हूँ। मेक श्योर आप अपने हिसाब से घी डालें, मतलब ऐसा ना हो, क्या होता है कभी कभी ना घी ज़्यादा हो जाता है। जब घी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपके लड्डू ना एकदम ऐसे हिलने लगते हैं और बहुत ढीले लूज हो जाते हैं। सो टू ऐड दिस घी टू इट, और आपको मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा लूज हो गया है, सो जस्ट मेक श्योर अब हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है। हम इसके अंदर अपना बेसन डाल देंगे, और हमें बस अब ध्यान रखना है कि हमें कंटिन्यूसली इसको हिलाना है, इसको एक भी सेकंड नहीं छोड़ना है, इसको प्रॉपर हिलाना पड़ेगा जब तक बेसन जो है वो भूरा नहीं हो जाता है। तो तब तक हमें इसको हिलाना पड़ेगा। आप इसे हिलाइए, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है बेसन को भूनने में। बेसन जैसे ही भून जाएगा हमारा, हाँ, तो इसको थोड़ा भूनना पड़ेगा। स्लो फ्लेम पे अब चलाते रहिए इसे, स्लो फ्लेम पे चलाएंगे तो अच्छे से ये जो है भूनने लगेगा। अगर आपको नींद आई, बीच में कहीं एहसास हो रहा है कि घी की कमी हो रही है, तो आप घी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा बेसन कुक होना अच्छे से शुरू हो गया, इसमें स्मेल आने लगी है। नाउ सी देयर इज अ ट्रिक, आप एक काम कर सकते हैं, द मोमेंट आपका बेसन आपको लग रहा है ना थोड़ा कलर आ रहा है या कुछ हो रहा है, उसी मोमेंट में आप थोड़ी सी पिंच ऑफ दिस मच ऑफ हल्दी आप उसमें डाल दो। दिस विल गिव अ डिफरेंट लेवल ऑफ कलर टू योर लड्डू। सो ये आप डाल दो उसमें, बहुत थोड़ी सी डालनी होती है, बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं डलती है, थोड़ी सी डलती है, क्योंकि क्या है उसका स्मेल भी स्ट्रॉन्ग है तो ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बाकी हमने ये डाल दिया है, इसको हम थोड़ी सी देर अभी और कुक करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो प्रॉपर ब्राउन हो जाए, तब तक इसे कुक करेंगे। गाइस अब आप देख सकते हैं बेसन का कलर कितना डिफरेंट हो गया है, पूरा सिक गया है, इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दी है। और अब मैं इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर रखूँगी ताकि ये फटाफट ठंडा हो जाए, और जैसे ही ठंडा होगा इसके अंदर हम पाउडर्ड शुगर डालेंगे। बट ठंडा होने से पहले प्लीज़ इसमें शुगर ना डालें, नहीं तो शुगर जो है वो पानी छोड़ देगी और आपके लड्डू बन ही नहीं पाएंगे, वो एकदम गोल आकार नहीं आएगा, वो फिर बिखरते जाएंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ अब, और ठंडा होता है जब उसके बाद हम उसमें शुगर डालेंगे। इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, ये एकदम ठंडा हो चुका है अब। तो दिस इज़ द टाइम नाउ, हम इसके अंदर थोड़ा शुगर डालेंगे और उसके बाद इसके बॉल्स बनाएंगे। सो लेट मी ऐड द शुगर।
शुगर अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप, जितना आपको पसंद है। मैं थोड़ी डालती हूँ, फिर मैं टेस्ट कर कर देखूँगी कि कैसी कितनी है, और अगर ज़रूरत होगी तो और डालूँगी, क्योंकि मुझे क्या ज़्यादा मीठा आई डोंट लाइक, थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो गई है। मैं एक बार के लिए इसको साइड कर दूँगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मीठी हो जाएगी ना तो मज़ा नहीं आता है खाने का। इसके लिए अभी हम थोड़ा सा इसे, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं एक बार मिक्स करती हूँ और इसके बाद फिर हम मैं दिखाती हूँ आपको क्या बना है। ये देखिए गाइस, हमने एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इसका कलर बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा चक्कर देख लेती हूँ कि ये मीठा है या नहीं है। अगर इसमें मीठे की कमी होगी तो मैं और शक्कर ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसकी बॉल्स बनाऊँगी। वैसे तो ये ठीक ही लग रहा है, चाहिए तो मैं हल्की सी शक्कर इसमें ऐड कर देती हूँ, इतनी सी मैं ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड कर रही। और अब मैं इसको मिक्स करके अगेन मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। देखिए ये मेरा पूरा डो रेडी हो गया है। अब आप अपने साइज़ के हिसाब से, मैं मिड वाले साइज़ के लड्डू जो हैं वो बनाऊँगी। इस तरह से मेरे लड्डू जो हैं बाइंड हो रहे हैं, देखिए एकदम अच्छे से हो रहे हैं। इसको मुझे रोल रोल करना है और इसके गोल गोल आकार बनाना है मुझे इसका। तो मैं ये देखिए, चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, आप थोड़े मोटे लड्डू बना सकते हैं, बट क्या है बेसन के लड्डू ना थोड़े पतले छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। तो मैं ये बॉल्स बना के आपको गार्निशिंग दिखाती हूँ, इसकी गार्निशिंग कैसे होगी। सो यू कैन सी गाइस, हमारे लड्डू कितने अच्छे से रेडी हुए हैं। आप मैं थोड़ा थोड़ा बादाम लेकर ना इन्हें ऊपर से गार्निश कर दूँगी। दिस इज़ जस्ट ऑप्शनल, इफ़ यू वांट यू कैन डू, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये करना ही है या कुछ करके, बट दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना है तो नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है। बस इससे थोड़ा सा हमारा लड्डू जो है सुंदर लगेगा। इसके लिए मैं छोटे छोटे जो गार्निशिंग एलिमेंट्स हैं वो लगा रही हूँ उसके अंदर, ताकि जो हमारा लड्डू है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगे। ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब आप भी ये खाइए, बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कि कैसे लगे हैं और आपके बेसन के लड्डू कैसे बने। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। जैसे ही आप ट्राई करें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपके लिए कितनी काम करी है और आपके बेसन के लड्डू कितने टेस्टी बने हैं। आप लोग इसी तरह कुकिंग टेल्स को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। आपका सपोर्ट और आपका प्यार ही होगा जिससे मैं और मोटिवेट होके और कुछ रेसिपीज़ ट्राई करूँगी। हो सकता है कुछ गड़बड़ भी होगी, पर जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके और मेरे बीच में कोई भी फिल्टर रहे। मैं हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली दिखाना चाहती हूँ। अगर मैं कुछ गड़बड़ कर देती हूँ या कुछ घपले कर देती हूँ तो भी मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इसी तरह हम सीखेंगे, मैं भी सीखती जाऊँगी। और हो सकता है आप लोग कुछ कमेंट्स करें जिससे मुझे और कुछ सीखने को मिले। करें और कुकिंग टेल्स को अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू, बाय।